देश में भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन और आज मोटका गांव से यात्रा की शुरुआत और आज इंदौर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे और आज यहां पर श्याम बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचेगी ये यात्रा और महू में अंबेडकर स्मारक जाकर नमन करेंगे राहुल गांधी। और इसी के साथ महू के ड्रीमलैंड चौराहे पर सभा भी होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और यात्रा में प्रियंका गांधी, कमलनाथ शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 334 नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और सात नदियों का पानी लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेता यहां पर शामिल होंगे। मनिहार, उमरिया, बलवाड़ा होते हुए मार्कम गांव पर आज ये पड़ाव पहुंचने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत देश और प्रदेश कांग्रेस के तकरीबन 40 बड़े नेता इस यात्रा में शिरकत करेंगे। इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे तमाम नेता। एक गजब का उत्साह वो देखा जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से आज चौथा दिन है, प्रदेश में इसकी एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन, खासतौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। और उत्साह के साथ साथ अगर बात कर ली जाए लोगों की, तो लोगों का भी हुजूम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आज इंदौर पहुंचना है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे और इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल होंगे इस पूरे यात्रा में। और आपको ये भी बताते चले कि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं, अलर्टनेस जो है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो आज मोटक्का गांव से यात्रा की शुरुआत होगी और एक विशाल जनसभा को भी राहुल गांधी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है, गजब का उत्साह लोगों में भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शिरकत करने वाले हैं और इसी के साथ साथ एक उत्साह, उमंग देखा जा रहा है और लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी बेहद ज्यादा उत्साह है क्योंकि इस यात्रा को देखने के लिए रोड के चारों तरफ लोगों का एक हुजूम भी देखा जाता है। ये तस्वीरें देखिए, आज इंदौर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा और ऐसे में आज विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे और इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। और प्रियंका गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। सहयोगी एहतियाब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहतियाब, आज चौथा दिन है इस यात्रा का और आज भी कई ऐसे दिग्गज जो शिरकत करने वाले हैं। निश्चित ही तरह मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये कहा जाए चौथा दिन है और आज ये यात्रा जो है वो इंदौर जिले में एंटर करने वाली है। इंदौर के समीप जो तहसील है महू, जिसे हम अंबेडकर नगर भी कहते हैं, वहां पहुंचेंगे। शाम को तकरीबन 7 बजे राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं। जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष की बात की जाती है तो उनका जो शेड्यूल अभी सामने आया वो ये है कि तकरीबन 5:30 बजे के आसपास वो इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इंदौर एयरपोर्ट से वो सीधे महू के लिए रवाना हो जाएंगे। और महू में उन सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो स्मारक है वहां पर जाकर पुष्पांजलि अर्जित करेंगे। आज राहुल गांधी की एक सभा है महू में ड्रीमलैंड चौराहे पर, जिसमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज तमाम बड़े नेता जो है रायपुर छत्तीसगढ़ से वो भी शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो शेड्यूल बताया जा रहा है तकरीबन 3 बजे के आसपास वो खरगोन पहुंचेंगे, एनरूट वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद में वो महू पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो चाहे छत्तीसगढ़ से हो, वो सभी राहुल गांधी की इंदौर जिले में जैसे ही प्रवेश हो रहा है सभी नेता जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर का मुख्य कार्यक्रम कल से शुरू होगा जब वो राऊ होते हुए इंदौर पहुंचेंगे कल। आज महू में जो सभा है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तमाम आसपास के ग्रामीण अंचलों के जो लोग हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये आता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी सबसे पहले वहां पहुंचेंगे, वहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद में जो सभा है वो वहां होगी। उसके बाद कल सुबह से रात्रि विश्राम जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का महू में होना है और सुबह से वो रवाना होंगे इंदौर शहर की तरफ। जी एहतियाब, ना सिर्फ
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, बल्कि आम जन जो है वो भी बेहद ज्यादा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। और खासतौर पर राहुल गांधी को एक झलक देखने के लिए लोगों का जो हुजूम है वो अक्सर देखा जाता है। और राहुल गांधी भी अलग अलग लोगों से बातचीत करते, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। एब्सोल्युटली, देखिए जहां तक हमने इस पूरी सभा ये कहा जाए, इस यात्रा को देखा है, इस यात्रा में सबसे ज्यादा ये रहा कि राहुल गांधी जिस जिस इलाके से निकले हैं, निश्चित रूप से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी रही, लोगों ने उन्हें जानने की भी कोशिश की। और जिस तरीके से राहुल गांधी वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो दूसरे प्रदेश हो या मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी खासा उत्साह लोगों के अंदर नजर आया। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा है, इस यात्रा में पहली बार ऐसा नजर आने लगा है कि मध्य प्रदेश जो कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि गुटबाजी में नजर आती है या गुटबाजी बहुत ज्यादा है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस यात्रा का जो उद्देश्य लेकर चल रहे थे वो उद्देश्य कहीं ना कहीं सार्थक होता नजर आ रहा है। हालांकि जिस रूट की हम बात कर रहे हैं मगर मध्य प्रदेश में देखा बिल्कुल, जाए तो बिल्कुल एहतियात। और ऐसे में जाहिर है कि आज भी राहुल गांधी की एक अलग तस्वीर, एक अलग अंदाज जो है वो देखा जाएगा। एहतियात, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के बीच हमारे साथ जगजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जगजीत, आज सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शिरकत करने वाले हैं, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? और शाम को 6-7 के बीच में लगभग वो आम सभा को संबोधित भी करेंगे। उस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता वहां उस सभा में मौजूद होंगे। और खास करके मैं आपको बता दूं कि इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। लगभग 334 से ज्यादा जो यहाँ के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर में पहुंच चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। खासकर मैं आपको इस बात पे फोकस कर दूं कि 7 नदियों के जल और यहाँ के माटी, छत्तीसगढ़ में मिट्टी को माटी कहा जाता है, माटी और 7 नदियों के जल को वहाँ लेकर के वो जा रहे हैं। और ये काफी उत्साह देखा जा रहा है, चूंकि आज सीएम भूपेश बघेल भी इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता भी उस यात्रा में शामिल होंगे और शाम को आम सभा भी होगा और काफी कुछ देखने को आज मिल सकता है। जी बिल्कुल जगजीत, यानी कि आज पूरा स्केड्यूल तैयार है और काफी कुछ देखने को मिल सकता है और नेताओं का एक अलग अंदाज भी देखा जाएगा, चूंकि सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत कर रहे हैं और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। जी बिल्कुल, खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में ये भारत जोड़ो यात्रा शामिल नहीं हो रही है, यहाँ से गुजर नहीं रही है, इसलिए यहाँ के कांग्रेसियों में और आम जनों में भी उत्साह देखा जा रहा है। जो तमाम आप मध्य प्रदेश में देख रहे होंगे, जो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं है उनमें भी ये उत्साह देखा जा रहा है। वही चूंकि ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाला जा रहा है राहुल गांधी द्वारा, कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा, तमाम इसमें जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही है कि एक सद्भावना और देश को जोड़ने की बातों को जो लोग इसी वजह से इस यात्रा में जुड़ रहे हैं बड़े संख्या में। जी बिल्कुल जगजीत, और यही कारण है कि ना सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है बल्कि आम जन भी बेहद ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। जगजीत, आप हमारे साथ जुड़े और भी खबरों पर आपसे जानकारी हासिल करेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी विषय